बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिज़नेस मैनिया के प्लेटफॉर्म से हम जनाब आज रिव्यू करेंगे कोहिस्तान इनक्लेव वाकेंड का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम जो हैं इस टाइम के ऊपर मेन इनका जो ब्लॉक है उसमें, और मेन जो इनकी पहली एक्सटेंशन इसके बाद है एक्सटेंशन वन। और जैसा कि आप इस टाइम के ऊपर इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अच्छी। और यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो शायद आप इस सेक्टर में तो ना मिले, अगर मिलेगा भी तो थोड़ा सा पीछे करके मिलेगा। और आप यहाँ पे डेवलपमेंट है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, और रोड खुले हैं काफ़ी, मस्जिद है ये इनकी बाकायदा बनी हुई, साथ ही इनका मार्ट है यहाँ पे शाहीन केमिस्ट का, और एक अच्छा इन्वायरमेंट है रहने के लिए। और इस सोसाइटी की कुछ बातें अच्छी हैं, उनमें से एक बात अच्छी है कि सब घरों का स्ट्रक्चर जो फ्रंट है वो एक जैसा है, जिससे जो घर बाकी सोसाइटीज़ जो अलाउ कर देती हैं कि आप फ्रंट अपनी मर्ज़ी का बना लें, ये बेसिकली अलाउ नहीं करते आपको। यहाँ पे आके इनका जो मेन ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से आप जो हैं जब अगर एक्सटेंशन वन आपका स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली रूट स्कूल है, यहाँ पर प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम है इन्होंने, यहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल नहीं है अभी तक। और ये इनका ब्लॉक ई है, और ए बी सी डी जो है वो पीछे रह गया है, और ये इनका एक्सटेंशन वन है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट यहाँ पे भी वैसी ही हुई है जैसी कि मेन कोहिस्तान में हुई है। 7 मरले, 5 मरले, 1 कनाल, 10 मरले की कटिंग है ये एक्सटेंशन वन की, और जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस टाइम हो रही है वो एक्सटेंशन वन में हो रही है। और रोडों की हालत आप देख ली, रोड कितने खुले हैं, 3 रोज़ रोड हैं, और प्रॉपर जो कमर्शियल है यहाँ पे बन रहा है, डिफरेंट हाइट्स बन रही हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं यहाँ पे। और जो लोगों ने यहाँ पे, इनके पास प्रॉपर, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा था इशू, वो सॉर्ट आउट हो गया काफ़ी हद तक। और एक्सटेंशन वन में आपको जो प्लॉट है 5 मरले का वो तकरीबन 55 से 60 का मिल जाता है, और वो वेरी करता है लोकेशन के ऊपर। 7 मरले का जो है वो आपको 70 तक मिलता है, इस तरह ही 10 मरले एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और मतलब जो प्रॉपर मेन कमर्शियल है इनका वो सारा एक्सटेंशन वन में है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी एक अच्छी सी वाइब आती है यहाँ पर आने के बाद। और ये आपको जो मेन बुलेवर्ड की साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, सारी कनाल वाले हैं, इसके पीछे जो हैं वो 7 मरले एंड 5 मरले हैं, और एक बड़ी सी ब्लॉक, ये एक्सटेंशन वन की एक मस्जिद बन रही है, और जिस तरह मेन कोहिस्तान की मस्जिद है। ये इनका बिज़नेस लॉन्च है जहाँ पे अगर आप फाइल ट्रांसफ़र के लिए आते हैं या कोई है, बैंक सारे आ गए हैं, बैंक अलफला आ गया है यहाँ पर, और अभी बाकी बैंक्स भी, उनके साथ इनका MOU हो गया साइन, बाकी बैंक्स भी आ जाएंगे। तो जो मेन हब है बिज़नेस का वो इस टाइम के ऊपर एक्सटेंशन वन है। और ब्लॉक जी एंड एच, पहले जी जो ब्लॉक था ये एक्सटेंशन टू में डालना था, यहाँ से एक्सटेंशन टू स्टार्ट होनी थी, लेकिन फिर इसको एक्सटेंशन वन का ही नाम दे दिया इन्होंने। और एक अच्छी वाइब आती है आपको यहाँ पर रहने के बाद, और अगर आप यहाँ पे 7 मरले का प्लॉट लेते हैं तो एक अच्छी लोकेशन और अच्छा आपका खुला सा घर बनता है। और अगर आप जो हैं वो डेवलपमेंट को लेके देखें तो डेवलपमेंट आपको प्रॉपर जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट है वो आपको मिलती है। एक इन्होंने मॉडल बनाया था जिसको मेन कोहिस्तान का नाम दिया था, उस मॉडल को फॉलो करके इन्होंने एक्सटेंशन वन, एक्सटेंशन टू, एक्सटेंशन थ्री एंड एक्सटेंशन फोर बनाया। आने वाले दिनों में हम बाकी देखें, लेकिन अभी तक इन्होंने एक्सटेंशन टू को जो है वो प्रॉपर डेवलप कर दी है। एक्सटेंशन थ्री जो है वो एक्सटेंशन टू, एक्सटेंशन थ्री और एक्सटेंशन फोर के ऊपर अभी वैसे काम नहीं हुआ, लेकिन जो है उनके ऊपर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है प्रॉपर। अभी जो है एक्सटेंशन वन इन्होंने हैंडओवर कर दी है, और एक्सटेंशन टू की बैलेटिंग भी हो गई है, एक्सटेंशन थ्री और फोर की बैलेटिंग नहीं हुई है अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली घर बन गए हैं, और लोग जो हैं प्रॉपरली शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, गैस ना होने की वजह से आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहाँ पे गैस है वहाँ पे सर्दियों में गैस आती तो कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे मतलब एक देखें, आपको बैरिया वाली लुक आती है, अगर आपको अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले रहने के लिए तो आई गेस कि अच्छा सा इन्वायरमेंट ही हो सकता है। ये बेसिकली पहले एक्सटेंशन टू का पार्ट था, अब ये एक्सटेंशन वन है सारा। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहने के बाद एक बैरिया टाउन वाली लुक ज़रूर आती है।
तो अगर आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मोटरवे से पास है और मोटरवे भी करीब है, आपको सामने मोटरवे नज़र आती है। और यहाँ पे अभी लोगों ने प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दी। ये सारी 5 मरले की बेल्ट है और बाकी जो है अभी तक इन्होंने एक्सटेंशन 2, 3 और 4 की कटिंग जो है वो प्रॉपरली अभी स्टार्ट करनी है इन्होंने। तो ये था जी कोहिस्तान इनक्लेव का रिव्यू। आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप इस जगह प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।